ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने आपको बताया कि जो डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु के प्रतीक दिए। इन्होंने परमाणु को एक गोले नुमा संरचना के आधार पर डिफाइन किया, इनके अनुसार जितने भी परमाणु थे गोलेकार संरचना में थे, उनके प्रतीक उन्होंने उसी रूप में स्थित किया। कहीं अब थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ वो गोले के अंदर हुआ, उनके प्रतीकों के रूप में गोले के अंदर किसी के सी लिख दिया, किसी के एस लिख दिया, किसी के आई लिख दिया, किसी के ए लिख दिया, किसी के बी लिख दिया, किसी के गोले को काला कर दिया, किसी को खाली छोड़ दिया, गोले को तीन बराबर भागों में बांट दिया जैसे फास्फोरस था, चार बराबर भागों में बांटा जैसे सल्फर था। ऐसे गोले के आधार पर डाल्टन जी ने परमाणु के प्रतीक दिए, लेकिन ये प्रतीक मान्य नहीं थे। इनको मान्यता नहीं दी गई क्योंकि ये कोई तरीका नहीं था उन परमाणुओं को प्रदर्शित करने का, उनके प्रतीकात्मक निरूपण का। इसलिए आगे डाल्टन जी के जो सिद्धांत था प्रतीकात्मक निरूपण का, ये असफल हो गया। इसके बाद आगे सभी जो विद्वान थे, सभी जो वैज्ञानिक थे, जो रसायनविद थे, उन सब ने एक यूनियन का, एक संगठन का, एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था का नाम था IUPAC, इंटरनेशनल प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री या अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, रसायन संघ एक संस्था थी, एक शाखा थी, एक यूनियन थी जिसमें तत्वों के नाम दिए गए, उनको प्रतीकात्मक निरूपण दिया गया। इस संस्था के द्वारा प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक जो तत्व था उसको उसके अंग्रेजी अक्षर का, जो बड़ा पहला अक्षर था, उसे बड़े लेटर के रूप में प्रदर्शित किया गया। जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऐसे स्टार्ट किया जाता है, हाइड्रोजन अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे जैसे जिसको प्रतीक एच कैपिटल अक्षर पहला अक्षर से दे दिया। प्रत्येक परमाणु के अंग्रेजी का जो पहला लेटर था उसके आधार पर इस संस्था के द्वारा, इस यूनियन के द्वारा तत्वों को प्रतीकात्मक निरूपण दिया गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम ए से ना देकर पहला अक्षर, अब ए से नहीं दे सकते, इसके पहला अक्षर तो हो गया कैपिटल और दूसरा ले लिया स्मॉल, ऐसे दे दिया AL, एल्यूमिनियम। कहीं तो पहले अक्षर से दिया तो पहला लेटर क्या दे दिया, कैपिटल लेटर, बड़ा लेटर लिख दिया। लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी रहेगी कि दो अक्षरों से नाम दिए गए तो पहला अक्षर तो कैपिटल लिया और दूसरा जो अक्षर था वो क्या ले लिया, स्मॉल लेटर ले लिया। ऐसे ही कोबाल्ट, कोबाल्ट CO, पहला तो सी बड़ा ले लिया, वो क्या ले लिया, छोटा, कोबाल्ट। इस प्रकार से इनका प्रतीकात्मक निरूपण किया गया। कुछ तत्व, कुछ परमाणु इस प्रकार के थे जिनको उनके लैटिन नाम से संबोधित किया गया, उनके लैटिन भाषा के आधार पर उनका नामकरण किया गया। जैसे मैं बात करूं सोडियम,
सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम उसी से लिया है Na। ऐसे ही कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम इसे लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं, उसका ले लिया के। ऐसे ही सोना, अंग्रेजी में जिसे गोल्ड कहते हैं लेकिन लैटिन भाषा में इसे ओरम कहते हैं, ओरम उसी से लिया Au। चांदी, अंग्रेजी में सिल्वर लेकिन लैटिन भाषा में क्या कहते हैं इसको, अर्जेंटम, अर्जेंटम क्या लिया Ag। तो कुछ तत्व या परमाणु ऐसे थे जिनको उनके लैटिन भाषा के आधार पर, ऐसे जैसे जिनमें था एक फेरम लोहा, लोहा अंग्रेजी में कहते हैं आयरन लेकिन इसको फेरम जो अंग्रेजी नाम जो लैटिन भाषा का नाम है इसका उससे लिया, जिसका प्रतीक है Fe। तो कुछ तत्व ऐसे थे, कुछ परमाणु ऐसे थे जिनको उनके लैटिन भाषा के आधार पर उनका नामकरण किया गया। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त जो रसायन संघ संस्था है, शाखा है, इस शाखा के अनुसार तत्वों को उनके प्रतीक दिए गए और यह प्रतीकात्मक निरूपण हुआ ये पूरे विश्व में, क्योंकि यह शाखा ये यूनियन पूरे विश्व की है इसलिए इसे पूरे विश्व में मान्य किया गया और यह आज भी मान्य है और इसी के अनुसार तत्वों को उनके प्रतीकात्मक निरूपण किया गया है। अब आप यहाँ इसमें लिखेंगे तत्वों के
नामों, यह संस्था तत्वों के नामों, प्रतीकों यह संस्था तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को और उनके मात्रकों को और उनके मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है, प्रतीकों और उनके मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। IUPAC का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, रसायन संघ है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ है। इस संस्था द्वारा इस संस्था के द्वारा अधिकतर तत्वों के प्रति संस्था के द्वारा अधिकतर तत्वों के प्रति उन तत्वों के अंग्रेजी नामों, उन तत्वों के अंग्रेजी नामों, उन तत्वों के प्रति अधिकतर तत्वों के प्रति उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक किसी प्रतीक के पहले अक्षर को बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को
तथा दूसरे अक्षर को छोटे दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में तथा छोटे अक्षर को दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे जैसे नंबर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैपिटल एच से लिख देंगे इसे। नंबर दो में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ए स्मॉल एल से दिखाएंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और इसी प्रकार जो तीसरा है कोबाल्ट, कोबाल्ट ये सी ओ से तो प्रदर्शित किया जाता है, सी बड़ा और वो छोटा सी ओ, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इंटरनेशनल जो यूनियन है, एक संस्था है, उसके द्वारा तत्वों को जो प्रतीकात्मक निरूपण है उन्हें इसी तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा देखिएगा देखिएगा, इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके उन्हें लिखा जाता है। तो आगे देखो कुछ तत्वों के प्रति, कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के, उनके अंग्रेजी नामों कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर, नामों के प्रथम अक्षर, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाली तथा बाद में आने वाली या बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, संयुक्त करके बनाते हैं, किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे किलोरी, इसे प्रदर्शित करेंगे सी एल से, और अगला इसी में जैसे जिंक है इसे लिखेंगे जेड एन आदि। इसके अलावा देखिएगा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके प्रतीक उनके लैटिन नामों के आधार पर या जर्मन भाषा के आधार पर या ग्रीक भाषा के आधार पर उनके तत्वों के प्रतीकात्मक
जर्मन भाषा या ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या ग्रीक भाषा में उनके नामों, जर्मन भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या ग्रीक भाषा में उनके नामों, उनके नामों से बनाया गया, से बनाया गया, से बनाया गया, जैसे जैसे लोहा, जैसे लोहा, जैसे लोहा, अंग्रेजी का आयरन, इसको इसका प्रतीक होता है Fe, ये लिया है फेरम से, फेरम जो लैटिन भाषा का नाम है, फेरम जो लैटिन भाषा का नाम है, लैटिन भाषा का नाम है, ऐसे ही सोडियम, सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na, ये लिया है नेट्रियम से, नेट्रियम से जो लैटिन भाषा का नाम है, लैटिन भाषा का नाम है, ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम इसका प्रतीक होता है के, इसे लिया है कैडमियम, कैडमियम से, कैडमियम क्या है, लैटिन भाषा का नाम है, जो लैटिन भाषा का नाम है, लैटिन भाषा का नाम है, इसी प्रकार ऊपर लिख दीजिएगा, इनमें आप तीन प्रयोग है, सोना है, चांदी है, इनके नाम लिख दीजिएगा, ओरम है, अर्जेंटम है, ये सभी लैटिन भाषा के नाम है। चौथा नंबर ऊपर डालेगा सोना, सोने का प्रतीक होता है Au, ये ओरम से लिया है, ओरम जो लैटिन भाषा का नाम है, जो लैटिन भाषा नाम है। इसी प्रकार पांचवे में लिख लो आप चांदी, चांदी, अर्जेंटम, एजी, अर्जेंटम से लिया है, जो लैटिन भाषा का नाम है, जो लैटिन भाषा का नाम है। इस प्रकार से ये लैटिन भाषा के आधार पर इस ये पूरे नहीं है आदि यानी लेना इत्यादि, इस प्रकार से उन्होंने लैटिन भाषा के आधार पर तत्वों के प्रतीकात्मक निरूपण दिए। आईयूपीएसी संस्था के द्वारा तत्वों को इसी प्रकार से प्रतीकात्मक निरूपण दिए गए जो पूरे विश्व में मान्य हुए। कुछ तत्व थे जैसे लोहा है, लोहे को अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है कि नियम से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उसके प्रथम या दो अक्षर, प्रथम दो अक्षरों से उसका नाम लिखना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ और उसे एफटी से प्रदर्शित किया गया। एफटी शब्द फेरम से लिया गया है जो लोहे का लैटिन भाषा का नाम है। ऐसे ही सोडियम का प्रतीक Na है जो लैटिन भाषा लेटियम से लिया गया है।
कीजिए उसका कारण है, लेकिन भाषा का नाम अर्जेंटम। इस प्रकार से कुछ तत्व ऐसे हैं जो हैं उनके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम ना देकर उनकी लैटिन भाषा के आधार पर उनके प्रतीकात्मक निरूपण किया गया। आपको अगली कक्षा में अगली क्लास में बताया।